सब्सक्राइब कीजिए टेकीरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से अलग अलग तरह की टेक न्यूज़, रूमर्स और लीक्स वगैरह। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भूलिएगा। और मैं हूं सुमित डेरा और आपने अभी तक हमारे चैनल को जो कि टेक फॉर यू इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन थी किसी तरीके का इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बेल आइकन को जरूर याद से प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसका जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है वीवो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके कुछ कंसेप्ट वगैरह सामने निकल के आया, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि वीवो का APEX Apex 2019 एडिशन मतलब 2019 में जो लॉन्च होगा वो उसका शोकेस वो कर सकते हैं MWC 2019 के अंदर, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आ रही है। अब देखते हैं कि वीवो अपना कैसा ये स्मार्टफोन क्या इसमें खास देने वाला है हमको, कैसा ये लॉन्च करता है वो तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो है मीजू के स्मार्टफोन से लेके क्योंकि रिलेटेड निकल के आ रही है, क्योंकि मीजू कर सकता है शायद से वर्ल्ड का पहला होललेस फोन। अब देखते हैं हम, और ऐसा हो रहा है कि एक दो दिन में शायद ऐसा कुछ लॉन्च कर दे मीजू अपनी तरफ से। तो अब देखते हैं कि असलियत में क्या लॉन्च करता है मीजू, या होललेस फोन क्या है और कैसा क्या होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शाओमी से रिलेटेड, यानी कि रेडमी से रिलेटेड निकल के आ रही है, क्योंकि हो सकता है जल्दी रेडमी का गो एडिशन वाला स्मार्टफोन लॉन्च, जिसमें कि आपको एंड्रॉइड गो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि एक लो हार्डवेयर वाले फोन के लिए गूगल की तरफ से स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एंड्रॉइड गो। उसमें काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 1GB रैम वाला 2GB रैम वाले फोन अटक जाते हैं नॉर्मल एंड्रॉइड अगर हम उस पर यूज करते हैं तो ये फोन काफी स्मूथ चल जाता है। और एंड्रॉइड गो वाला वीडियो शायद से चैनल पे भी डला है तो उसका अगर होगा तो मैं कार्ड पे लिंक दे दूंगा, उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंड्रॉइड गो क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो है लेनोवो के स्मार्टफोन को लेके, क्योंकि हो सकता है लेनोवो का एक और नया स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च, लेनोवो Z5 Pro। और इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में ड्यूअल रियर कैमरा वगैरह देखने को मिल सकता है और फुल व्यू डिस्प्ले, मतलब ऊपर कोई नॉच वॉच नहीं, या फिर हो सकता है नॉच आपको देखने को मिल जाए। तो एक तरीके से जो लीक्स में निकल के आ रहा है उसके मुताबिक हो सकता है कि आपको इसमें पूरा सामने की तरफ डिस्प्ले वगैरह देखने को मिले। अब देखते हैं कैसा ये फोन लॉन्च होता है, होता भी है कि नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल के आ रही है एंड्रॉइड से रिलेटेड, एंड्रॉइड का वैसे भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में धमाल ही धमाल है। इसी के साथ एंड्रॉइड की अब नए जनरेशन यानी कि नया जो वर्जन आने वाला है या फिर हो सकता है आ जाए जल्दी गूगल IO 2019 में, उसकी कुछ लीक्स और रूमर्स वगैरह अब आने शुरू हो गई है। नया साल है, एंड्रॉइड का भी धमाल है, तो एंड्रॉइड Q की अब लीक्स वगैरह निकल के आने शुरू हो गई है। रिपोर्ट जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक इसमें आपको जो प्रीवियस एंड्रॉइड का जो वर्जन है उससे कुछ ज्यादा ही आपको इसमें कंट्रोल ऑप्शंस वगैरह हो सकता है देखने को मिल जाए आपके स्मार्टफोन की कंपेटेबिलिटी को लेके। और कुछ सिम लॉक स्मार्टफोन ऐसे कुछ जो कुछ भी फीचर वगैरह है तरह तरह के आपको इसमें हो सकता है फीचर दे दे गूगल अपनी तरफ से एंड्रॉइड क्यू में। अब देखते हैं एंड्रॉइड क्यू कब होता है लॉन्च और क्या होता है लॉन्च, क्योंकि इससे हटके भी काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि हो सकता है एंड्रॉइड की जगह फुशिया OS रिलीज किया जाए जा सकता है। शायद से ऐसा कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि गूगल ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अभी तक तो ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, एंड्रॉइड ही स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल की तरफ से फिलहाल के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि नया कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो है मोटोरोला की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है और लीक्स वगैरह निकल के आ रही है कुछ पेटेंट्स को लेके, क्योंकि मोटोरोला ने शायद से रजिस्टर करा है या फिर कुछ ऐसा रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि मोटोरोला की तरफ से आने वाले टाइम पे हमें कोई फोल्डिंग डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात है क्योंकि काफी सारे स्मार्टफोन्स आजकल, शायद से एक प्रोटोटाइप भी आपने देख ही लिया होगा इंटरनेट के ऊपर, काफी सारे वीडियो एक टैबलेट बन जाता है फोन या फिर फोल्डेबल टैबलेट कह ले या फिर फोल्डेबल फोन, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ भी चुकी है। तब देखते हैं मोटोरोला कैसे अपने ये फोल्डिंग डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन लॉन्च करता है कि नहीं करता है, अभी तो ये सिर्फ लीक्स और रूमर्स है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, जो कि ठीक है राइट कलर का सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद याद से दोस्तों प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं मिलूंगा इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक और अगले वीडियो में आपसे जल्दी। मैं उसमें डेरा फॉर यू से।